एक महत्वपूर्ण विषय अपराध क्या है और इसके बारे में प्रसिद्ध विद्वान क्लिफोर्ड शो ने क्या बतलाया है, चर्चा करना है। समाज के बनाए हुए नियम और कानून को तोड़ना ही अपराध कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे अपराधी कहा जाता है और इसके लिए उसे दंड मिलता है। यह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। अगर युद्ध में सैनिक दूसरे देश के सैनिक की हत्या कर देता है तो इसे अपराध नहीं कहा जाता है बल्कि पुरस्कार दिया जाता है। जैसा कि कहा जाता है, जब से समाज का अस्तित्व हुआ है अपराध का जन्म हुआ है, और जैसे जैसे किसी समाज या देश का विकास होता है अपराधों की संख्या बढ़ने लगती है। हालांकि सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठाई है, लेकिन पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि इसे रोकना मुश्किल होता है। प्रसिद्ध विद्वान क्लिफोर्ड शो ने बतलाया कि नगर में अपराध अधिक होते हैं क्योंकि देखा गया है कि आवास की कमी होती है, गंदी बस्तियां होती है जिसके कारण अपराध अधिक होती है। नगर से अगर दूर बढ़ते हैं तो अपराध में कमी आती है। जैसा कि देखा गया है कि नगर में भीड़ भाड़ होने के कारण व्यक्ति निडर पूर्वक घूमता है जिसके कारण व्यक्ति की हत्या हो जाती है और अपराध होती है, क्योंकि नगर में व्यक्तिवादिता की कमी होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि नगर में अपराध अधिक होती है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।